मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे होने पर गर्व है। इसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाया था, जिसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो अपने मेहनत और संघर्ष से आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं और देश की आज़ादी में उन्होंने जो भाग दिया है, उन सभी को आज नमन करने का दिन है। मैं अपना भाषण यही समाप्त करना चाहूँगा, परंतु मैं कुछ 2 पंक्तियाँ बोलना चाहता हूँ। इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ये ऐलान,
इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ये ऐलान, अंधेरे हार गए, जिंदाबाद हिंदुस्तान। सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुश नसीब होता है वो जो खून देश के काम आता है। With these words, myself Devanshi Chindel of class 9th B would like to wish you all a very palpitating Republic Day. 73 years back, India became the country of people. We became a republic. The establishment and adaptation of our constitution took place on 26 January 1950. The world now looks up to India as an international power of the world arena. Aaja aaja jindu shami aane ke tale, aaja zari wale neele aasman ke tale. Respected principal sir, dear colleagues, today on the occasion of the Republic Day, I am standing before you to recite a poem named Africa, written by Rabindranath Tagore. Abriti korchi Rabindranath Thakure Africa. Udbhranto se adim juge, srosta jakon nijer proti asontoshe, notun srishtike bar bar korchilen biddhosto. তার সেই অধৈর্যে ঘন ঘন মাতা নারার দিনে রুদ্র সমুদ্রের বাহু প্রাচীন ধরিত্রীর বুকে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে আফ্রিকা। এসো যুগান্তের কবি, আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মির পাতে দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে, বলো ক্ষমা করো হিংস্র কোলাপের মধ্যে, সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী। ধন্যবাদ। ढोलीड़ा
सनन जाय रजिया कर बे की रात में चुड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में सनन सनन जाय रजिया कर बे की रात में चुड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में the leaders who gave us this day and this is the best day I respect we have to respect this constitution this system of our nation so today we placed all together for the nation it is our duty to respect the constitution सबसे प्यारी सबसे ऊंची तेरी स्थान गणतंत्र दिवस पर शीश झुकाकर करते हैं तुझे प्रणाम इस पावन अवसर पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं रानी लक्ष्मीबाई हूँ आप सोच रहे होंगे आज हमारे दिन खत्म हो चुके हैं तो यह प्रजातंत्र के दिन एक रानी क्या कहेगी हाँ मुझे पता है आज हमारे दिन खत्म हो चुके हैं
और हम आपको देश समर्पित करके सेवानिवृत्त हुए हैं। पर आज मुझे कुछ कहना है, खासकर देश के छात्रों को, क्योंकि वे ही देश के भविष्य है। मित्रों, उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात देश को विदेशी शत्रुओं से बचाना था, जो हमने कर दिखाया। अब आपका समय है। पर दुख की बात यह है कि प्रजातंत्र के 73 वर्ष बाद भी अधिकांश भारतीय संविधान का सही आकलन नहीं जानते। इसलिए मेरे प्रिय छात्रों, आप पढ़ाई के साथ साथ संविधान की चर्चा करते रहें। अगर आप संविधान को सही ढंग से जानते हैं, तो समाज की विभिन्न समस्याओं को आप तुरंत हल करने में सक्षम रहेंगे। भारतीय संविधान और उसके मूल्य को हर भारतीय के मन में फैलाने के लिए आप आगे आइए। हमारी लड़ाई खत्म हो चुकी है, पर बुराई के खिलाफ आपकी लड़ाई कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। समाज में बिखरे हुए शत्रुओं से लड़ें। गरीबी, अमानविकता, अशिक्षा, हिंसा के खिलाफ लड़ें। आंख की तारे की तरह भारत माता की रक्षा करें। जय हिंद। Republic Day. Republic means what?
Republic means, yeah, the supreme power is the people of India. The people of India has the power to elect their leaders to lead the country in the right direction. No doubt, there have been a lot of developments in our country in last 75 years. Separately, we are Bengali, Punjabi, Tamils, Hindu, Muslims, rich, poor, but unitedly we are all Indians. And when India stands together, unitedly, no hurdle is there as hurdles. Once again, I thank you all of you for this day. Joy.